Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 2 दिन पहले अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक में महागठबंधन छोड़ने का ऐलान करने वाले उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी से तालमेल लगभग तय हो गया है। बीजेपी में बातचीत आखिरी दौर में है। हालांकि कुशवाहा की पार्टी लोक समता पार्टी को 10 सीट से ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। बीजेपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं ने स्वीकार किया कि दोनों पार्टियों में बातचीत हो रही है, 1-2 दिन में सारा मामला तय हो जाएगा। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा सीट के साथ बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर भी दावा कर रहे हैं। वहां से जेडीयू के वैद्यनाथ महतो सांसद थे, लेकिन उनके निधन के बाद उपचुनाव होना है। उपेंद्र कुशवाहा ने वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के साथ साथ विधानसभा की 2 दर्जन सीट पर दावा किया था, लेकिन बीजेपी 10 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर भी आखिरी फैसला नीतीश कुमार से बातचीत के बाद लिया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने शुक्रवार को चुनाव का ऐलान होने के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2014 में जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां थी उनसे तालमेल पर फैसला भारतीय जनता पार्टी को ही करना है, जेडीयू को उससे कोई आपत्ति नहीं है। यानी अगर बीजेपी कुशवाहा को एनडीए में लाना चाहती है तो नीतीश उनका विरोध नहीं करेंगे। इससे पहले गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाकर नेताओं कार्यकर्ताओं की राय जानी थी। बैठक में कुशवाहा ने ऐलान कर दिया था कि अब वे महागठबंधन में तभी रहेंगे जब आरजेडी अपने नेता यानी तेजस्वी यादव को बदलेगी। कुशवाहा ने कहा था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मुकाबले बेहद कमजोर नेता हैं। कुशवाहा का ये बयान ही साफ कर दिया गया कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ने का फैसला कर लिया है।